हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर को बेहद स्टाइलिश अंदाज में बैंड्रा में कर दिया गया है स्पॉट। आपको बता दें कि इस दौरान व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप पहने और ब्लू कलर की जीन्स पहने वाणी कपूर बेहद स्टाइलिश अंदाज में आई है नजर और उन्हें जमकर कैमरा को दे दिए हैं पोज। तो वही शिवांगी जोशी को अंधेरी में कर दिया गया है स्पॉट। बता दें कि ये रिश्ता का कहलाता है फिल्म शिवांगी जोशी को अंधेरी में बेहद स्टाइलिश अंदाज में कर दिया गया है स्पॉट। इस दौरान शिवांगी जोशी बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आई हैं और उन्होंने जमकर कैमरा को पोज भी दे दिया है। तो वही मुंबई एयरपोर्ट पे बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को कर दिया गया है स्पॉट। बता दें कि इस दौरान ऋतिक रोशन बेहद ही सिंपल अंदाज में आए हैं नजर। ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स एंड ब्लैक जैकेट पहने ऋतिक रोशन बेहद ही सिंपल अंदाज में नजर आए हैं। वही उन्होंने जमकर कैमरा को दे दिए हैं पोज। तो वही इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच और उनके नन्हे से बेटे को मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट कर दिया गया है। बता दें कि दोनों बेहद ही सिंपल अंदाज में आए हैं नजर। हेजल कीच और उनके बेटे ने जमकर कैमरा को पोज दिया है। जहां हेजल कीच बेहद ही सिंपल अंदाज में आई है नजर, तो वहीं उन्होंने अपनी गोद में अपने बेटे को कैरी किया हुआ था। इसके अलावा राशि खन्ना, साहिल खान, दिया मिर्जा को मुंबई एयरपोर्ट पे कर दिया गया है स्पॉट। बता दें कि राशि खन्ना जहां येलो कलर के हुडी में बेहद ही सिंपल अंदाज में आई है नजर, तो वहीं दिया मिर्जा भी बेहद ही कैजुअल अंदाज में नजर आई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्टर साहिल खान को भी बेहद ही सिंपल अंदाज में मुंबई एयरपोर्ट पे देखा गया है। सभी ने जमकर कैमरा को पोज भी दे दिया है। तो वही बैंड्रा में जिम के बाहर सिंगर नेहा भसीन को बेहद ही हॉट अंदाज में कर दिया गया है स्पॉट। बता दें कि इस दौरान नेहा भसीन बेहद ही हॉट अंदाज में जमकर कैमरा को पोज देती हुई आई है नजर। तो वही बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सोनाल चौहान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट कर दिया गया है। बता दें कि सोनाल चौहान इस दौरान बेहद स्टाइलिश अंदाज में आई है नजर। क्रॉप टॉप और हॉट पैंट्स पहने उसके साथ पिंक कलर के जैकेट पहने सोनल खान ने जमकर कैमरा को पोज दिया है और अपनी अदाओं का जलवा बिखेर दिया है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।